ओम नमो नारायण। गुरुजी चरण स्पर्श। सभी लोगों को प्रणाम। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये अर्जुन की छाल है जिसे मैंने अभी हाल ही में निकाला और पैक करके रख दिया। तो जड़ी बूटियों की पहचान अलग बात है, उनका प्रयोग भी साथ साथ में बताते जाता हूँ आपको। एक वीडियो में संभव नहीं होता है कि सभी बीमारियों के बारे में बताया जा सके। तो इस अर्जुन की छाल से देखिए, सभी को पता है कि हृदय रोग से संबंधित हृदय संबंधित कोई भी रोग है तो उसमें अर्जुन का छाल काम करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो भी काम करता है, और हार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, फंक्शन में प्रॉब्लम है तो भी ये कार्य करता है। अर्जुन चाय के नाम से भी आता है मार्केट में, पे अर्जुन अरिष्ट भी आता है, और भी नाम से आता होगा, मुझे ज़्यादा ज्ञात नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि देखिए, इसकी पावर को हम अगर 100 गुना और बढ़ा दें तो कैसा रहेगा। अर्जुन का छाल का गुण तो आपको पता ही है, इसीलिए मैं आज आपके सामने लाया हूँ। इसके साथ ये जो पुनर्नवा होती है, देखिए पुनर्नवा की जड़ ये हमारे पास रखी हुई है, और ताजी भी इससे पहले वाली वीडियो मैंने डाली है। पुनर्नवा जो लाया हूँ, ये पुनर्नवा का शुद्ध साफ और काटने से पहले धुला हुआ मिट्टी उट्टी हटा करके जड़ है, साफ किया हुआ। तो इस अर्जुन की छाल और इस पुनर्वा की जड़ को मिलाकर हम अगर सुबह शाम इसका काढ़ा लेते हैं तो ये 1 और 1 11 हो जाता है, 2 नहीं 1 और 1 11 हो जाता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। करना है क्या इसमें आपको बता दूँ, हृदय रोग में देखिए, हृदय में कोई प्रॉब्लम होती है, सूजन भी हो जाती है, हृदय का साइज भी बढ़ता है जैसा आपको पता है, और हार्ट की जो मांसपेशियाँ हैं वो हमेशा फैलती सिकुड़ती रहती हैं, जिससे पंपिंग क्रिया होती है और ब्लड हमारे शरीर में हार्ट भेजता रहता है, तो वो सिकुड़ता रहता है, हमेशा फैलता है सिकुड़ता है फैलता है सिकुड़ता है, जिसे हम धड़कन बोलते हैं। तो इसमें सूजन आना लाजमी है, अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी, या दर्द भी होता है, हार्ट पेन भी होता है लोगों को, तो ये पुनर्वा इसमें जो सूजन है या हार्ट पेन है उसको रोकेगा, और साथ में ही अर्जुन की जो पावर है उसको सपोर्ट करेगा, और दोनों मिलकर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। करना क्या इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग समझदार हैं। 10 ग्राम चूर्ण पुनर्वा का लीजिए, 10 ग्राम अर्जुन छाल का चूर्ण, दोनों को 200 ml करीब पानी ले लीजिए या 1.5 गिलास पानी ले लीजिएगा, उसमें उबालिएगा खूब अच्छी तरीके से। जब उसका काढ़ा तैयार हो जाए, काढ़ा से मतलब वैसे 1/4 होता है, यानी कि चौथा हिस्सा पानी का बचे तो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर अच्छी तरीके से खूब बढ़िया उबल गया तो उसका भी आप यूज कर सकते हो आज के डेट में, आज के समय के हिसाब से। तो काढ़ा बनाकर सुबह शाम लेते हैं तो आपका हार्ट की सारी प्रॉब्लम धीरे 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 ख़त्म हो जाएगी, चाहे हार्ट में आपके लीवर में सूजन हो, और लीवर कह रहा हो आपके हृदय में सूजन हो, या कोई साइज में गड़बड़ी हो रहा हो, या उसकी पावर कम कर रही है, या सीने में दर्द होता होगा आपके हृदय में, तो कोई भी बीमारी है तो इन दोनों का काढ़ा लीजिए। आप सुबह लीजिए खाली पेट, और शाम को 5-6 बजे ले लीजिएगा जब आपकी चाय वाय पीने की इच्छा होती है, या फिर भोजन करने के आधे घंटे बाद, और सबसे पहले उत्तम समय होता है 5-6 बजे, क्योंकि उसके 1-2 घंटे बाद ही हम भोजन करते हैं, तो उस समय अपना काम कर चुका होता है, तो उस समय आप लीजिएगा। और आप लोग निरोगी रहिए, अपने हार्ट को मजबूत बनाइए, अपने दिल को मजबूत बनाइए, अपने हृदय की गति को, उसकी संकुचन क्रिया को नियमित रूप से चले, इसके लिए इसका प्रयोग करिएगा, और आगे जो भी इसका आप लोगों को रिजल्ट पक्का मिलेगा 100%, और इसका रिजल्ट शेयर जरूर करते रहिएगा, और भी लोगों को बताइएगा कि अभी अर्जुन और पुनर्वा का संयोग जो है ये 1 और 1 11 हो जाता है, मैं पुनः आप लोगों को बता रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा योग रहेगा, आप करके देखिएगा जिसको भी प्रॉब्लम है। पुनर्वा की जड़ आप खुद निकाल ले तो बहुत बढ़िया है, मार्केट में गत पुनर्वा इसके नाम से बिक जाता है, और मिक्स होता है, पुरानी जड़ें ज़्यादा काम नहीं करती 9 महीने से, तो इसलिए आप लोग इनका प्रयोग करें जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बार बार। इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।